अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट 7, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का। टॉपिक नंबर 1 है फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंड हेल्थ रिस्क फ्रॉम हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। ये यूनिट IG2 का टेक्निकली एलिमेंट नंबर 3 है। ओवरऑल ये निबोश ने सिलेबस का एलिमेंट नंबर 7 है। जो टॉपिक इसका आज हम डिस्कस करेंगे 7.1, वो है फॉर्म्स ऑफ, किसकी इकसाम के हैं, क्लासेस के हैं, किसकी हेल्थ रिस्क फ्रॉम हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। हैज़ार्डस सब्सटेंसेस से मुराद केमिकल, बायोलॉजिकल, ये तमाम तर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसमें सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ केमिकल एजेंट्स हम देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ केमिकल एजेंट्स में हमारे पास पहले नंबर पे आता है सॉलिड, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डस्ट और तीसरे नंबर पे आता है फ्यूम। सॉलिड कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल जो एज अ केमिकल रिएक्ट करेगा, ये केमिकल एजेंट होगा, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज से अफेक्ट कर सकता है, तो वो डस्ट किसी भी तरह की हो सकती है। डस्ट आपकी सॉयल डस्ट, सैंड डस्ट, वुड डस्ट, मड डस्ट, कोई भी डस्ट इसके अंदर आ सकती है। फ्यूम्स गैस, मिस्ट, नमी वगैरह, वेपर्स, बुखारात, लिक्विड एंड फेब्रस, जिस तरह आपके डिफरेंट फेब्रस इसके अंदर आएंगे। द फिजिकल फॉर्म ग्रेटली अफेक्ट द हैजर्ड प्रेजेंटेड एंड द रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी। अब इसमें जो हमें इसके इफेक्ट्स हैं वो कैसे हिट कर सकते हैं, वो हिट इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी रूट से हमारी बॉडी में दाखिल हों। जो रूट हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन, इनहेलेशन वगैरह, तो उन रूट से कोई भी केमिकल जब हमारी बॉडी में दाखिल होगा तो किस तरह के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, पहले हम डिस्कस किया केमिकल, अब बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट्स में एक फंगी है जैसे फॉर्मर्स लंग, ये निमोनिया की एक टाइप है, बीमारी हो जाती है। उसके बाद बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट जिनकी वजह से लेजोनेल्स डिजीज, लेप्टोस्पिरोसिस डिजीज वगैरह आती है। वायरसेस में हमारे पास HIV, एड्स वगैरह और हेपेटाइटिस बी वगैरह। तो बेसिकली केमिकल के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सॉलिड डस्ट और सॉलिड डस्ट वेपर्स, फ्यूम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जबकि फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो है फंगी, बैक्टीरिया और उसके बाद वायरसेस। नेक्स्ट, अब इनके जो इफेक्ट्स होंगे हमने ये देखना है कि जो इसके इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इफेक्ट्स इसके एक्यूट होंगे, कुछ इसके क्रॉनिक होंगे। जो हमने पहले भी एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंस डिस्कस किया था, तो बेसिकली एक्यूट वो हेल्थ इफेक्ट्स होंगे जो फौरी तौर पर, जैसे आपका एक्सपोजर हुआ केमिकल से या बैक्टीरिया से, तो फौरन इफेक्ट कर गए। और क्रॉनिक वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, जो फौरी तौर पर सामने नहीं आते बल्कि एक पैसेज ऑफ टाइम उन्हें रिक्वायर्ड होता है बेहतरी की तरफ आने में। अब एक्यूट में अगर डिस्कस करें तो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, हाई लेवल्स ऑफ एक्सपोजर, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, क्विक इफेक्ट। एग्जाम्पल एक्सपोजर टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस। अब क्विक क्या है, वो क्लोरीन गैस अगर वहां से उसकी कंसेंट्रेशन है वो बढ़ गई तो इस एक्सपोजर में बहुत जल्दी असर करेगा। जो भी सफरर है वो आपका इस हद तक डिस्टर्ब हो सकता है कि कैजुअल्टी भी वहां पर हो सकती है। जबकि क्रॉनिक इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स हैं जो कुछ पैसेज ऑफ टाइम उन्हें रिक्वायर्ड है, फौरी तौर पर नहीं होंगे। लोअर लेवल्स ऑफ एक्सपोजर, कम एक्सपोजर होगा लेकिन जब देर पा इससे कोई इफेक्ट होगा तो वो फिर जानलेवा साबित होगा। जिस तरह लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, एग्जाम्पल मल्टीपल एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस से जब मल्टीपल एक्सपोजर होगा बहुत ज्यादा तो वो सडनली कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं डालेगा बल्कि कुछ टाइम के बाद उसको लंग्स कैंसर या इस तरह की किसी भी लंग डिजीज में मुबतला कर देगा। अब बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, ये तमाम तर चीजें एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर आएंगी। तो एक्यूट इफेक्ट्स वो होगा जो जैसे ही एक्सपोजर होगा तो उसकी आउटपुट आ जाएगी, जबकि क्रॉनिक इफेक्ट में पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होगा आउटपुट के लिए जो भी डिजीजेस वगैरह आएंगी।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल है जो 12th, अब इन केमिकल्स की क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन के एतबार से यहाँ पर हमने इनको डिवाइड किस तरह से किया है, पहले आगे हमारे पे रिको केमिकल इफेक्ट्स, हाईली फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव और ऑक्सीडाइजिंग, के रिको केमिकल्स वो होंगे जिनके अंदर हाईली फ्लेमेबल, आग बहुत जल्दी लगेगी, एक्सप्लोसिव होंगे, धमाका हो सकता है उन केमिकल्स से, धमाका खेज होंगे, ऑक्सीडाइजिंग या वो ऑक्सीजन को बढ़ावे का सबब बनेंगे, और ऐसे नतीजे में आपको पता है ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट ऑफ फायर ट्रायंगल, तो वो फिर मावन साबित होगा फायर के लिए। हेल्थ इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट क्या है? टॉक्सिक, जहरीला हो सकता है, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर का सबब बन सकता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ मतलब आबी जो जिंदगी है उसको मुतासर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको ड्रेन आउट करते हैं नदी नालों में, नालों में तो इट्स ओके, लेकिन आप अगर उसको नदी में, समुन्द्र में या ऐसी जगहों पे वेस्ट को डालेंगे, केमिकल वेस्ट को डालेंगे, तो ऐसी सूरत में एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। यूरोपियन रेगुलेशन EC नंबर 1272 और 2008 ऑन, अब ये रेगुलेशन है बाकायदा, CLP रेगुलेशन इसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कि आप जो केमिकल हैजर्डस केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी क्लासिफिकेशन करें, लेबलिंग उसकी बाकायदा तौर पर लेबलिंग करें कि कौन सा मटेरियल है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशन, इसके हैजर्ड्स क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, CLP रेगुलेशन, कंप्लीट नेम है CLP रेगुलेशन, क्लासिफिकेशन लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब उसके बाद एक्यूट टॉक्सिसिटी, स्मॉल डोजेस कॉज डेथ और सीरियस इलनेस, एक्यूट नाम से जाहिर है कि फौरी तौर पर एक्सपोजर के बाद असर दिखाएगा, टॉक्सिसिटी कि जहरीला है तो वो फौरी तौर पर जानलेवा साबित हो सकता है। स्किन क्रोयन इरिटेशन, स्किन क्रोयन होता है स्किन को जंग वगैरह लग जाना, और इरिटेशन जिस किसी भी चीज से जिससे आपको आप इरिटेट हो रहे हैं, आपकी स्किन इरिटेंट्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है रैशेज या इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से आपके जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयज लिविंग स्किन टिश्यूज आर कॉजेज इन्फ्लेमेशन। सीरियस आई डैमेज, आई इरिटेशन, आई इरिटेशन में आंखों का जलना वगैरह कई दफ़ा केमिकल से जब इंटरेक्शन होता है तो ऐसी सूरत में गैसेस जब आपके सामने आती हैं तो ऐसी सूरत में या डस्ट की सूरत में आईज जो है आपकी वो जो है जलना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इरिटेशन होती है बेसिकली, या आई डैमेज होता है जिसकी वजह से ये केमिकल्स उनका सबब बनते हैं। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी और स्किन सेंसिटाइजेशन, अब रिस्पायरेटरी और स्किन में क्या रेस्पायरेटरी में क्या होगा जी, कोई भी सांस लेते हुए जिससे दमा हो जाए, कॉजेज दमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, और स्किन सेंसिटाइजेशन में क्या होगी, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी जगह पे केमिकल या लिक्विड पेट्रोल ऑयल वगैरह जब गिरता है तो उसकी वजह से स्किन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये रिकवरेबल होता है लेकिन इसकी वजह से काफी हद तक स्किन आपकी आउटर लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है। जर्म सेल म्यूटेजेंसिटी कॉजेज हेरिडिटरी जेनेटिक म्यूटेशन, अब इसमें क्या होता है कि आपके जो नस्ल दर नस्ल एक निज़ाम है जेनेटिक्स का, एक नस्ल का निज़ाम है, उसके जो म्यूटेशन उसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर ये प्रॉब्लम करता है, मतलब कि पैदाइशी तौर पर नस्ल दर नस्ल लोगों के अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई चीज़ इन केमिकल्स की वजह से जो है वो ट्रांसफ़र होती चली जाती है। कार्सिनोजेंसिटी, कोई भी ऐसा केमिकल जो अपने अंदर सख्त रखता है किस चीज की कि वो कैंसर कॉज करे तो उसको हम कार्सिनोजेंसिटी बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, ये इसलिए होती है कि ये स्टेरिलिटी और इज हार्मफुल टू अनबोर्न चाइल्ड, अनबोर्न चाइल्ड को हार्मफुल इस तरह से होगी कि उसको कोई भी अपना जो बच्चा है उसको बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो डिसेबल हो सकता है किसी भी वजह से। स्टेरिलिटी में क्या होता है कि बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इनहेल हो जाए या उनके साथ आपका एक्सपोजर ज्यादा हो जाए या बार बार होता रहे तो ऐसी सूरत में वो बांझपन का शिकार कर देते हैं। स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी कॉजेज डैमेज टू स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स, कुछ ऐसे आपके केमिकल्स होते हैं जो स्पेसिफाइड बॉडी ऑर्गन्स को आपके डिस्ट्रॉय करते हैं। एस्पिरेशन हैजर्ड हार्मफुल इफ इनहेल्ड इनटू द लंग्स, एस्पिरेशन के आपने कोई भी केमिकल जो इनहेल कर लिया
लंग के अंदर, तो वो लंग्स की काफ़ी सारी डिजीजेज हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनका जब सबब बनेगा तो ऐसे को हम एस्पिरेशन हैजर्ड में फॉल करेगा। अब जी सेंसिटाइजिंग एजेंट्स केमिकल्स, तो दो तरह के सेंसिटाइजर्स हैं, एक रिस्पायरेटरी और एक आपके स्किन। रिस्पायरेटरी में क्या होगा, यही कि आपके सांस के जरिए अंदर गए, वुड डस्ट, फ्लोर डस्ट, ये आइसोसाइनेट्स वगैरह, ये जब भी अंदर जाएंगे दमे वगैरह का सबब बनेंगे। जबकि स्किन सेंसिटाइजर में मैंने जिससे डिस्कस किया, डर्मेटाइटिस वगैरह की तरह की कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। अब डर्मेटाइटिस क्या है, नॉन इन्फेक्शियस स्किन कंडीशन वेयर द स्किन बिकम्स ड्राई। ठीक हो गया, इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन क्या है, स्किन बिकम ड्राई, फ्लिकरी, क्रैक्ड एंड पेनफुल। वो क्रैक्स क्रैक्स पड़ जाएंगे बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से आपको पेन होगी, और ये जो है ये आपका रिकवरेबल होता है अगर अर्ली स्टेजेस पे आप इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। प्राइमरी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होंगे और एलर्जिक और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होंगे, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँ। स्किन रिएक्ट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओनली, रिमूव एजेंट एंड स्किन रिकवर्स। सेंसिटाइजेशन रिएक्शन डर्मेटाइटिस ऑल अवर स्किन। अब जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है उसमें क्या है कि डायरेक्टली कोई भी केमिकल के साथ आपका जो है स्किन जो है उसका कॉन्टैक्ट रहा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा, तो जितनी देर तक रहा उतनी देर तक उसमें डर्मेटाइटिस रहा, जैसे ही आपने रिमूव किया डर्मेटाइटिस खत्म हो गया। एलर्जिक और सेकेंडरी में क्या होता है कि आपका जब वो केमिकल किसी बॉडी पे लगता है तो उससे वो पूरी बॉडी के ऊपर फैलना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको जो है इसका एलर्जिक और सेकेंडरी जो कॉन्टैक्ट होता है उसमें फिर आपको ये फैलता है पूरी बॉडी पे, तो फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की आपको जरूरत होती है। तो ये हमने पहला इसका टॉपिक डिस्कस किया, फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, और देखा कि इनसे हैजर्ड्स क्या हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इसी तरह हमने देखे सेंसिटाइजिंग एजेंट्स कैसे हैं। बहुत जल्द इसके अगले लेक्चर असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।